हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम है लेकिन 9 बज गया है। आज मैं बहुत लेट उठी, पति देव घर पे नहीं रहते हैं तो लेट उठते ही है। क्या कर रही है दिशु? क्यों कर रही है? उठ जाएगा ना। तो पानी का सीटी भी बजाया ना तो भी मुझे सुनाई नहीं दिया। अचानक मेरी आँखें खुली तो देखी 8 बज गया था। अगर आँखें नहीं खुलती ना तो आज पानी भरना भी नहीं होता, इतनी गहरी नींद में थी मैं। 4 बजे उठी थी, मैं वॉशरूम गई थी तो उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो 1-1.5 घंटा तो ऐसे ही इधर उधर करवट बदलने में ही चला गया। फिर 6 बजे मुझे नींद आई। तो 6 बजे जब मैं सोई ना तो 8 कब बज गया पता ही नहीं चला। अच्छा हुआ कि मेरी आँखें खुल गई, नहीं तो आज पानी भरना भी नहीं होता, बहुत दिक्कत हो जाता। तो अभी हस्बैंड आए नहीं है, 12 बजे तक आएंगे। आज है सैटरडे तो अभी वही सुबह का नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। परेशानी के लिए सैंडविच बना रहे हैं, चीज वाला। और रात का पराठा भी है एक, तो मैं खा लूंगी उसको गर्म करके। दूसरी को ये सैंडविच दे रही हूँ उसको। मैं अब काट के दो बेवर दे रहा काट। तो क्या करके दे रहे हो? निशु, निशानी आ जाओ। अभी देखे ना कितनी बारिश हो रही है और पूरा घर ना अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। 9 बज के पार हो गया लेकिन लग रहा है क्या कि अभी सुबह का ना वही 6-7 बज रहा होगा। अब क्या हुआ? हाँ, वो खाओ और दूध भी पियो। खाने के नाम से तो एकदम दूर भागते रहती है। क्या हो गया? तुम बोली ना काटना मत सैंडविच को, तो काटा नहीं है ना। अभी खाओ आराम से। तो ऐसे वोट क्यों कर रही? खराब हो जाएगा वोट। चलो चलो, मेरा पराठा जल गया। इसके चक्कर में ना देखिए, मैं पराठा गर्म कर रही हूँ। अभी मैं खाऊंगी पराठा, फिर उसके बाद आराम से मैं खाना बनाऊंगी। देखती हूँ क्या बनाऊंगी क्या नहीं। डेली डेली का ना यही टेंशन है भाई कि आज क्या खाने में बनाओ क्या खाओ। तो अभी मुझे मच्छरदानी भी हटाना है, बेड मेरा वैसे ही पड़ा हुआ है। लाइट बंद करते हैं, इधर बिना मतलब का लाइट जल रहा है। दिशानी तू भी लाइट जला ली? और इधर किचन का भी लाइट बंद करते हैं और चलते अपना पराठा लेके, फिर खाते हैं आराम से। बिना टीवी देखे नहीं खाना। हाँ, 1 घंटा तक खाएगी ये टीवी देख के। फटाफट से खाओ नहीं तो मैं टीवी बंद कर दूंगी। पहले खाओ फिर उसके बाद टीवी देखना, नहीं तो ट्यूशन अभी भेज दूंगी, देख लेना। आज ट्यूशन का छुट्टी कर ली। और देखिए ना इतनी बारिश में कैसे भेजती, आज मैंने भेजा ही नहीं। बहुत झमाझम बारिश हो रही है और पूरा बालकनी में पानी आ रहा है, तो ये विंडो बंद करना पड़ेगा, अंदर भी पानी आएगा। तो अभी मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है और अभी ना मैं लगे हाथ ना खाना बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि जल्दी बना लूँगी तो मेरे लिए ही आसान रहेगा। आजकल कुछ करने का मन नहीं करता है सच में, लेकिन जब काम करना स्टार्ट करो ना तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन अगर बीच में बैठ जाती हूँ ना तो फिर मेरे से होता नहीं है, आलस आने लगता है। तो कल के वीडियो में आप सबसे पूछा था गोद भराई की रस्म के बारे में, तो आप सब ने बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट किए। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि गोद भराई पहली बेबी के टाइम पर होता है, सेकेंड बेबी के टाइम पर नहीं होता है। आप सब से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आप सब भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, बहुत सारी चीज़ें बताते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और भगवान से प्रेयर करिएगा कि ये जो मेरा टाइम है ना अच्छे से गुजर जाए, अच्छे से मेरा बेबी हो जाए बस, क्योंकि अकेले सब चीज़ संभालना बहुत मुश्किल होता है सच में। और अभी क्या कर सकते हैं, सबकी हालत तो ऐसे ही है। मैंने कल के वीडियो में बोला भी था, तो आप सब ने बोला था कि जॉइंट फैमिली से अच्छा ना अकेले रहना ही अच्छा है। हाँ, मेरी फैमिली भी अगर देखा जाए तो कोई दूध के धूले नहीं है। अगर जॉइंट फैमिली रहता मेरी तो वैसे ही महाभारत होता हमारे घर में भी, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो हर जगह पर होता ही है।
दूर रहकर भी अगर फैमिली का बॉन्डिंग अच्छा ना हो तो साथ रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि साथ रहेंगे तो और भी बॉन्डिंग ख़राब हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि दूर ही रहे, अकेला ही रहे। तो चलिए, यहाँ पे मैं दाल बनाने जा रही हूँ और आज थोड़ा डिफरेंट बना रही हूँ, मतलब चार दाल को मिक्स करके बनाऊँगी। टेस्टी लगता है और मेरी रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आता है, क्योंकि मैं बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ। और मैं ना खाना बहुत सिंपल ही बनाती हूँ, झटपट बनने वाला ही खाना मैं बनाती हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ना चार दाल मिक्स किया था, उसमें लिया था तूर का दाल, चने दाल, और उसके बाद मूंग दाल और मसूर का दाल लिया था, और उसमें हल्दी नमक दे के और थोड़ा सा घी दिया था, उसको बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया। यहाँ पे देखिए चावल भी मैंने चढ़ा दिया था, चावल लगा दिया है। और दृशा ने अभी तक नहीं खाई है, इतने सारे मेरे काम ख़त्म हो गए, मैंने कब का ब्रेकफास्ट कर लिया और अभी देख के बैठ के खा रही है। अभी यहाँ पर मैं जूस फिनिश करूँगी, क्योंकि आज मुझे सुबह में याद आ गया। तो अभी बेड को भी ठीक कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, क्योंकि घर में अगर बेड बिखरा रहता है ना, अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है ना कि कितना काम पड़ा हुआ है, फिर कोई काम करने का इच्छा ही नहीं होता है, मन ही नहीं करता है। तो घर जितना नीट एंड क्लीन रहता है ना, उतना अच्छा लगता है, मन भी लगता है। और अभी यहाँ पे बेड को सबसे पहले मैं सेट करूँगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना सारा काम निपटाते रहूँगी। अभी 10 बज गया है, चावल मैंने बना लिया है और दाल में सिट्टी भी लग गई है, मतलब दाल भी गला लिया है। अभी उसमें तड़का लगाना बाकी है और सब्जी बनाऊंगी। तो अभी भूख वूख तो है नहीं, अभी खाने वाला कोई है नहीं, तो इसके लिए मैं अभी बस दाल चावल वैसे ही बना के छोड़ दिया है। अभी सब्जी बाद में बनाऊँगी, अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा वीडियो का काम कर लेती हूँ, एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। और देखिए दिलशानी अभी तक वो दूध नहीं पी है, उसी तरह रखी हुई है। उसको खिलाना पिलाना बहुत मुश्किल होता है, क्या बताऊँ, मतलब मेरी ही गलती है। बच्चे से अगर आदत दिलाए रहते ना उसको खुद से खाने का, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो आप लोग के अगर फर्स्ट बेबी है ना, तो बिल्कुल भी ये गलती मत करना, खुद से मत खिलाना, बाद में ना बहुत दिक्कत होता है। अभी देखो जैसे इतना टाइम लगाती है ना, स्कूल जाना रहता है, ट्यूशन जाना रहता है, तो मुझे फटाफट से खिलाना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है उसको दे दूँगी ना तो एक घंटे तक बैठ के खाते रहेगी, और टीवी नहीं देखेगी तो भी नहीं खाएगी। और बिना टीवी देखे अगर दे दूँगी उसको बैठ के खाने के लिए, तब तो और ज़्यादा टाइम लगाती है। तो कोई किसी चीज़ में गुंजाइश नहीं है, मतलब टीवी देख के खाएगी तो भी टाइम लगाएगी, नहीं देख के खाएगी तो भी टाइम लगाएगी, तो अभी क्या करें। और अभी मेरे पास वैसे अभी कहीं जाना होना नहीं है, तो इसके लिए स्कूल जाना नहीं है, इसके लिए मैं जब भी मतलब मैं काम में बिजी रहती हूँ तो उसको इसी तरह से दे देती हूँ खाने के लिए, जाए एक घंटे में खाओ, दो घंटे में खाओ, खाते रहो अपना। तो अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है उसको, बच्चे से ही आदत दिलाना चाहिए। पहले मैं फ्री रहती थी ना, तो मैं सोचती चलो खिला देती हूँ बच्चों को, ऐसा करके ना मैं उसको खिला देती थी। जब भी कुछ खाना रहता था तो मैं ही खिला देती थी उसको, कभी मैंने दिया ही नहीं खुद से खाने का। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो मैं ये बोल रही हूँ। अभी बच्चों को ना शुरू से ही ट्रेनिंग देना चाहिए खाना खिलाने के लिए। पोटी और सुसु के लिए मैंने ट्रेनिंग दिया था जब वो 10-12 दिन की थी, तभी से मेरी मम्मी ने आदत दिला दिया था उसको सुसु करने का। सुसु करते थे ना तो वो कर लेती थी, हर आधे घंटे पे मैं उसको सुसु करके सुसु करा देती थी। तो उसको बचपन से ही आदत लग गया, छोटी थी तब से ही आदत लग गया। जब उसको सुसु लगता था ना, जब पोटी लगता था तो वो रोती थी, तो समझ जाते थे कि उसको सुसु पोटी आया है, तो फिर करा देते थे। और कभी वो बिस्तर पे पोटी करके, कितने सारे बच्चे होते हैं ना कि बिस्तर पे पोटी करके खेलने लगते हैं, इधर उधर लग जाता है, कभी आज तक मुझे याद ही नहीं है कि मेरी बेटी ने कभी उस तरह से पोटी किया होगा, चाहे बिस्तर पे या फिर फर्श पे, कहीं भी नहीं किया आज तक, कभी नहीं, मुझे याद ही नहीं। मतलब सुसु पोटी की वजह से बहुत सारे मम्मी लोग को प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम झेलते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। मैं कभी परेशान नहीं हुई हूँ, परेशान हुई हूँ तो सिर्फ उसको खाना खिलाने के लिए, कभी कभी उसको मार भी पड़ती है खाने के लिए। अभी क्या बोले, अभी एक ये मेरी खुद की गलती है जिसकी वजह से अभी मुझे ही झेलना पड़ेगा। बाकी सुसु पोटी के लिए तो कभी बिस्तर पे सुसु की नहीं है वो, उसको रात में भी लगता था, मैं कितनी भी गहरी नींद में रहती थी
तो वो मुझे उठाती थी, वो रोने लगती थी जब छोटी थी, जब बात नहीं करती थी तो रोने लगती थी, तो मैं उठकर उसको सुसु कराती थी, लेकिन वो बिस्तर पे नहीं करती थी, उसका आदत बन गया था। डायपर भी मैं पहनाती थी ना, कहीं बाहर जाती थी तो मैं सोचती थी चलो डायपर पहना देती हूँ इसको, तो डायपर में भी नहीं करती थी, वो करती ही नहीं थी, बाहर मुझे ना डायपर खोलना पड़ता था, खोल के फिर उसको सुसु कराना पड़ता था। तो सोचिए मतलब उसको ज़्यादा डायपर भी नहीं पहनाया है, मतलब एक बार ना बहुत बड़ा पैकेट मैंने ले लिया था डायपर का, और वो डायपर में मुश्किल से 10-15 डायपर यूज किए होंगे, तो बड़ा डायपर का पैकेट था 50 पीस या फिर पता नहीं 60 ऐसे था, तो सारा डायपर ना मेरा बर्बाद ही हुआ। कुछ डायपर अभी भी होगा, कुछ डायपर मैंने फेंक दिया और पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि जब भी दिवाली की सफाई होती है ना उसका डायपर मतलब जो सोफ़ा कम बेड है ना उसमें ही रखे हुए थे, तो उसमें ही था, तो थोड़ा थोड़ा करते करते निकलते निकलते सफाई करते करते उसका डायपर ऐसे ही फेंकना पड़ा। अभी भी अगर ढूंढूंगी तो मिलेगा, अगर रखी होंगी तो ज़रूर मिलेगा। तो डायपर वो ज़्यादा यूज नहीं की है, सुसु पोटी के लिए तो मैंने ट्रेनिंग दिया था शुरू से, तो उसके लिए परेशान नहीं हुई, सिर्फ खाना खिलाने के लिए परेशान होती हूँ आज, जिसके वजह से ना उसका हेल्थ अच्छा नहीं बनता है। अभी देखो कितनी पतली है, वो 6 साल की हो गई है, 6 साल के हिसाब के 6 साल के बच्चे कम से कम 20 kg का होना चाहिए, वो उसका वजन ना 4 kg कम है, वो 16 kg की ही है अभी, पता नहीं अभी वेट बढ़ा होगा या नहीं बढ़ा होगा, बीच में तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास गए थे, तो 16 kg की थी तो डॉक्टर बहुत बोल रहे थे इसका वेट बहुत कम है इसकी उम्र के हिसाब से, हाइट उसका सही है, हाइट उसके उम्र के हिसाब से ज़्यादा ही है लेकिन कम नहीं है, लेकिन उसका वेट बहुत कम है, क्योंकि वो खाते ही नहीं अच्छे से, उसको 10 घंटे तक बैठ के एक ही खाना को मतलब उतना देर तक बच्चे बैठ के खाएगा तो खाना शरीर में लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। तो अभी ना दाल में तड़का लगाएंगे, एकदम सिंपल तड़का है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है दाल। तो 5-6 लहसुन को ना मैंने स्लाइस में कट करके फिर उसके बाद मैंने ऑयल में डाला है और इसको ना अभी भूनूंगी, उसमें मैंने तेज पत्ता भी डाला, एक सूखी लाल मिर्च डाला और थोड़ा सा हींग डाला है, हींग जरूर डालेगा बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर लास्ट में मैंने जीरा ऐड किया है, जीरा को पहले ऐड नहीं करेंगे नहीं तो थोड़ा जल जाता है ना जीरा, फिर उसका जो मेन फ्लेवर होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए मैंने लास्ट में ऐड किया है जीरा। फिर उसके बाद मैंने प्याज ऐड किया, प्याज को हल्का सा भुनने के बाद मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला था और वो तीखी वाली नहीं है, सिर्फ कलर के लिए मैंने डाला था। उसके बाद मैंने धनिया पत्ता ऐड किया, फिर उसके बाद ये बॉईल किया हुआ जो दाल था इसको पहले मिक्स कर लिया था, फिर उसको डाल दिया है। और अगर ये दाल को ना मसाला वाला बना रहे हैं ना तो इसमें थोड़ा सा आप मतलब मसाला ऐड कर सकते हैं, धनिया का पाउडर, गर्म मसाला डालिएगा और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं, उससे ही दाल काफ़ी टेस्टी बनता है। तो मैं तो बिना मसाले वाला बना रही हूँ क्योंकि दृशानी को एकदम ज़्यादा तीखा वाला पसंद नहीं आता है, तो उसके हिसाब से ही मुझे बनाना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे ना मैं भिंडी काट रही हूँ, भिंडी की भाजी बनाऊंगी, आलू और भिंडी की। और पता है एक चीज़, मैं बचपन से ना कभी आलू और भिंडी की सब्जी नहीं खाई थी, मतलब इस तरह से भिंडी की भुजिया मेरे घर में नहीं बनता था, सिर्फ भिंडी का बनता था, आलू मिक्स करके कभी नहीं बनता था, मैंने कभी नहीं खाया था। लेकिन जब मेरी शादी हुई ना तो यहाँ आई तो मुझे पता चला अच्छा भिंडी में आलू भी डालते हैं, तो तब से मेरी आदत बन गई है। पहले तो मुझे अजीब लगता था, मैं बनाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे घर में मेरे हस्बैंड को, मेरी सासू माँ को, सबको यही पसंद आता था, तो फिर अभी आदत लग गई है, तो फिर भिंडी आलू की भाजी बनाते हैं। क्या ला है? ये खा के देखो, तो मस्त है, बनाना का चिप्स है, एकदम तीखा, मजा है, तीखा वाला। और ये, अरे वाह, चकली, चकली मसाले वाला, चकली बहुत टेस्टी लगता है। और क्या क्या लाए हो? बस बस, और भी चाहिए? इतना काफी नहीं है? नहीं, ये पकड़ो, इधर रखो, इधर रखो, अगर किचन में रख देते हैं, देख उधर रखना, उधर उधर रखो ना, आलसी बनते जा रही है। गुड इवनिंग गाइज, कैसे हो आप सब लोग? तो अभी 5 बज गया है और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि आज ना मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो आज है 22 जुलाई, डॉक्टर ने बुलाया था, 1 मंथ कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, और देखते देखते ये भी 1 मंथ कैसे गुजर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो हस्बैंड तो आ गए थे और उसके बाद हम लोग लंच किए हैं, लंच में वही दाल मैंने बनाया था, चावल बनाया था, भिंडी आलू का भाजी और पापड़ चटनी, ये सब खाए हम लोग। और खाना खा के ना मूवी देखे हैं, एक कौन सा मूवी, कौन सा मूवी देख रहे थे त्रिशानी? याद नहीं आ रहा, अभी कल ही रिलीज हुआ, कौन सा मूवी देख रहे थे?
इसको तो और ये मैं किससे पूछ रही हूँ देखे। ए पापा सो रहे, छोड़ दो छोड़ दो, पापा सो रहे। बाद में बताती कौन सा मूवी देखे। कल कौन सा मूवी रिलीज हुआ था यार, नहीं आ रहा है अभी। मैं ना मूवी सिर्फ देखती हूँ बाउंड मूवी है। बाउंड, ये बाउंड क्या क्या कुछ भी बोलती। तो वही मूवी देखे हैं, लाइट कट गया है फिर उसके बाद छोड़ दिए, आधा अधूरा देखे, पूरा नहीं देखे। तो फिर रात को कंप्लीट करूँगी। और लाइट कटा है तो हस्बैंड चले गए सोने, मैं भी सोने की कोशिश की हूँ लेकिन नींद नहीं आया। पता नहीं आजकल नींद की बहुत प्रॉब्लम हो गई है। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती थी कि मुझे अच्छे से नींद आती, मैं दिन में भी सो जाती हूँ रात को भी सो जाती हूँ, लेकिन अभी कुछ टाइम से ना नींद की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी ना रात में करवट लेते लेते दिन कैसे मतलब रात कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता है। तो दिन में भी नींद नहीं आया, सो नहीं पाए। क्या है अभी तक नहा ही नहीं, इसको आज नहाना नहीं, इसको ठंडा लग रहा है, बोल रही कि नहीं नहाना है मुझे, कम से कम कपड़े चेंज कर लो। मैं बोल रही हूं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, मैं हाथ पैर धुला के ना कपड़े चेंज करा दूंगी। ठीक है अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा, अब बोल दिया तो इसी वक्त चालू मत हो जा। अभी मम्मी हाथ पैर धो लिया। नहीं, और अच्छे से हाथ पैर धुला देंगे। तो हस्बैंड ना सो रहे हैं लेकिन वो हंस रहे हैं, यानी कोई सपना देख रहे होंगे। मुझे हंसी लग गया उनको देख के, एकदम मस्त मुस्कुरा रहे थे, गहरी नींद में सो रहे हैं एकदम। आजकल समझ में नहीं आता है सुबह क्या बनाऊँ, दोपहर में क्या बनाऊँ और रात को क्या बनाऊँ, क्या खाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। और शाम को क्या खाऊँ। हाँ तभी तो सब्जी मैं बनाई थी ना, तो सब्जी बहुत सारा है। हस्बैंड तो उधर से खा के आए थे, उनका पेट भरा हुआ था, ज़्यादा खाया नहीं है, चावल भी है दाल भी है। ऐसा ही होता है जिस दिन छुट्टी वाला दिन रहता है ना, उस दिन ऐसे ही होता है। और जो चकली और वो बनाना चिप्स लाए थे ना हस्बैंड, वो मैंने ट्राई किया। चकली तो मुझे बहुत पसंद आता है, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन पैकेट खोल के रखे हैं। और बनाना चिप्स का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा था, वो बोल रहे थे तीखा और चटपटा है। सच में तीखा और चटपटा छोटा चीज़ें ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भी वो जाते हैं ना इधर उधर कहीं भी, तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, अच्छा लगता है। तो दोनों को खोल के ना टेस्ट कर लिया है, बहुत अच्छा टेस्ट है। ये तो बनाना चिप्स का छोटा पैकेट है, इसका बड़ा पैकेट लाते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अभी यहाँ पे ना हस्बैंड भी उठ गए हैं, तो मैं अभी चाय बना रही हूँ और चाय के साथ ना टोस्ट खाएंगे क्योंकि शाम का टाइम हो गया, हल्का फुल्का भूख लगा हुआ है सबको। सो जाओ पहले। हैं? कौन सोता है? उसके भी कौन सोता है? आपने जब भी था हॉस्पिटल? अब उठ गए ना तो फिर आराम से चाय पीजिए, फिर चलते हैं कहीं बाहर, उधर ही से डॉक्टर के पास जाएंगे। मम्मी मेरे डीमार्ट जाएंगे, सुबह डॉक्टर के पास जाएंगे। डीमार्ट चल रहे थे अभी कि कल जाएंगे? अगर पापा कल जाएंगे तो हम मैं अपने टेस्ट कैसे दे पाऊंगी? शाम को जाएंगे तो हम तो हमारी छुट्टी तो 6 बजे होती है और आप तो अभी इतना लेट। और हाँ यहाँ पे ना हम लोग जो बातें कर रहे थे, आप सबको समझ में नहीं आएगा, उसके लिए थोड़ा सा बता देती हूँ क्या बातें हो रही थी। वैसे हमारे सोसाइटी में ना मीटिंग था, तो संडे को मीटिंग रखा था, लेकिन हस्बैंड को ना कन्फ्यूज़न हो गया, उनको लगा कि सैटरडे को है। वैसे वो सैटरडे को ही संडे समझ रहे थे, आज ही वो संडे समझ रहे थे कि उनको लगा संडे दिन है, तो वो सो रहे थे बड़े मज़े से, फिर उनको उठना पड़ा। फिर उन्होंने मैसेज चेक किया तो संडे दिन लिखा हुआ था, तो वो बोले कि फिर से सो जाओ गया। तो यही सब बातें हम लोग कर रहे हैं। हाय, कैसी लग रही है? मैं पूरा इधर तक बोली हूँ, देखो मैं कितना तक बोली हूँ इधर तक। तो अभी हम लोग ना मार्केट आ गए हैं, यानी अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। और सबसे पहले डॉक्टर को दिखा लेते हैं, चेक करा लेते हैं, 8 मंथ का मेरा रूटीन चेकअप है, तो चलिए देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। फिर मैं घर आकर आप सबको बताऊंगी कि आज का रूटीन चेकअप में क्या क्या बताया डॉक्टर ने।
तो गाइज अभी हम लोग घर आ गए हैं, प्याज लेकर आए हैं, इसमें सेब है, अनार है। अब फ्रूट महंगा हो गया, सब्जी भी महंगा। गाजर लिया है आधा केजी, एक पाव बैंगन, दूध, और ये है अदरक। अदरक भी महंगा है, ये भी 270 रुपये केजी है। अदरशानी ने लिया डेरी मिल्क चॉकलेट, और एक और चीज़ मैं लाई हूँ अपने लिए, इसमें है वड़ा। वड़ा वड़ा, वड़ा। तो ये वड़ा और सूखा चटनी मैंने मांगा था, और देखिए ग्रीन चटनी दिया ही नहीं उसने, ग्रीन चटनी उसने दिया नहीं था। मैं अपना घर वाला धनिया की चटनी ले रही हूँ, अभी हम लोग खाएंगे। तो अभी यहाँ पे ना खाना बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। दाल भी है, सब्जी भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, और चावल भी है। तो अभी ना मैं सिर्फ आलू फ्राई बना रही हूँ डिनर के लिए, और आटा ख़त्म हो गया है ना, जिसकी वजह से चावल ही खाना पड़ेगा। और आटा रहता तो भी मुझे चावल ही खाना पड़ता, क्योंकि चावल दिन का बचा हुआ था। तो गाइस अभी हम लोग का डिनर हो गया है, अभी मैं जा रही हूँ सोने। वॉक भी कर लिया, टाइम ज़्यादा हो गया, 11 बज गया है। कल सुबह जल्दी उठना है, कल डीमार्ट भी जाना है शॉपिंग के लिए। राशन ख़त्म हो गया, आज हम लोग चावल खाए हैं, दो दिन से चावल ही खा रहे हैं, क्योंकि आटा पूरा से ख़त्म हो गया है इसके लिए। नहीं तो कल तो मैं पराठा बनाई थी, आज के लिए आटा बिल्कुल भी नहीं था, इसके लिए आज चावल ही बनाया है। और डॉक्टर के पास गए थे दिखाने के लिए, तो सब चीज़ नॉर्मल है, सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है, वो है हेमोग्लोबिन। डॉक्टर ने डायरेक्ट बोल दिया है हेमोग्लोबिन कम रहेगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी आपकी डिलीवरी में, तो चाहे नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, पता नहीं है कौन सी डिलीवरी होगी, नहीं मालूम डॉक्टर से। तो मैं पूछी तो बोली अभी टाइम है, अभी कुछ बता नहीं सकते हैं कि कौन सी डिलीवरी होगी। वैसे मेरा फर्स्ट तो नॉर्मल है, तो ज़्यादा चांस नॉर्मल का ही है, लेकिन बेबी का जो हेड होता है ना, वो डाउन होना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, तभी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। तभी तो बेबी का क्या पोजीशन है वो तो डॉक्टर को ही पता होगा, डॉक्टर ने ही चेक किया है, डॉक्टर चेक किए हैं लेकिन बताया नहीं है ये सब चीज़ें, अभी बताते नहीं है। जो भी मुझे पूछना रहता है पूछती हूँ, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बता देते हैं सब चीज़ खोल के बताते हैं, कोई झूठ वगैरह नहीं बोलते, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और डॉक्टर भी मुझे बहुत अच्छे लगे। तो फिर रूटीन चेकअप अगस्त में होगा मेरा, तो 8 मंथ अभी चल रहा है मेरा, तो अभी थोड़ा जल्दी जल्दी बुला रहे हैं रूटीन चेकअप के लिए, क्योंकि अभी रूटीन चेकअप कराना भी ज़रूरी है, अभी ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। तो अभी फिर से अगस्त में जाएंगे, अभी टाइम है, भगवान करे सब चीज़ अच्छे से हो जाए। और इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नया ब्लॉग के साथ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।